वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर विकार हुसैन काजी है। आज हम जो है वो इन पर्टिकुलर में थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो वायरल इन्फेक्शन होती हैं ये बहुत ही कॉमन देखी गई है हमारी सोसाइटी में। और ये जो वायरल इन्फेक्शन होती हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ऑलमोस्ट इनके सिम्टम्स सेम ही रहते हैं। रनिंग नोज रहती है, फ्लू सिम्टम्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है और हेडेक रहता है, बॉडी एक्स होती है, माइल्जिया, आर्थेल्जिया, जो कि सेम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हो सकता है। तो ये आइडियली तो देखा जाए तो शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल होता है ऐसे, बट कुछ चीज़ें हैं जिससे हम इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमारे सेटअप में जैसे कॉमन इन्फेक्शन हमने देखी हैं, जैसे कॉमन कोल्ड होता है जिसे हम फ्लू कहते हैं, कफ्स होती हैं, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, या फिर इवन अभी रिसेंटली आपने कोविड और HIV जैसी डेडली बीमारियाँ जो हैं, ये तमाम जो है ये वायरल बोन इन्फेक्शन हैं। इनके कॉमन सिम्टम्स जैसे मैंने बताया, ये तमाम कॉमन सिम्टम्स यही रहते हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। और सिम्टम्स के अलावा जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है या हम डायग्नोज कैसे करें, तो हम ब्लड टेस्ट लेते हैं या तो हम यूरिन टेस्ट लेते हैं, या इसमें जैसे अगर हम ब्लड में देखें तो ब्लड में कॉमन जब हम CBC कराते हैं तो उसमें लिम्फोपेनिया होता है, मतलब लिम्फोसाइट्स का जो काउंट होता है वो नॉर्मल से कम होता है। क्योंकि बैक्टीरियल फीवर में क्या होता है, नॉर्मल जब हम CBC कराते हैं तो TLC जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है और जो उसका जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं। बट वायरल इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता, ना न्यूट्रोफिल बड़े होते हैं ना ही टोटल लिकोसाइट काउंट बड़ा होता है। तो ये इनडायरेक्टली हमें बैक्टीरियल के वायरस की तरफ बताता है कि ये मोस्ट लाइकली वायरल इन्फेक्शन है, और स्पेशली अगर लिम्फोसाइट्स हमारे काम इसमें काम आ जाएं। ऐसे ही हम कुछ और हमारे पास टूल्स होते हैं जो हम ब्लड में करते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स होते हैं, जैसे ESR होता है, CRP होता है। अगर ये ज़्यादा हो तो ये बैक्टीरियल की तरफ जाता है, इन्फेक्शन की तरफ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ, और अगर ये कम हो तो वायरल एटियोलॉजी की तरफ जाता है। मेनली जो वायरल इन्फेक्शन है ये एल्डरली एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में होती हैं, या तो बच्चों में होती हैं या तो फिर एल्डरली एज ग्रुप में होती हैं जिनमें की इम्यूनो डेफिशिएंसी रहती है। तो इस तरीके से जो ये डायग्नोसिस हम करते हैं जैसे मैंने बताया आपको, रही बात अगर कुछ वायरल फीवर ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली मोस्टली वायरल फीवर बल्कि मैं कहूँ जो 7 से 10 दिनों में, मैक्सिमम 14 दिनों में ठीक हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे वायरल फीवर हैं जिसके लिए हमें पर्टिकुलर एंटीवायरल ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। जैसे हेपेटाइटिस में हमने देखा है, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, वहाँ पर हमें पर्टिकुलर एंटीवायरल रिट्रोवायरल थेरेपी जो होती है वो लेनी पड़ती है। मैं बस यही कहूँगा कि जो मोस्टली जो वायरल डिजीजेज हैं इसका कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अपना इम्यून सिस्टम को हमें अच्छे से रखना है, इम्यून सिस्टम को हमें बूस्ट करना है। जैसे मैंने बताया ये हम अपने इम्यून सिस्टम को विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ले सकते हैं, हम ग्रीन टी ले सकते हैं, हम अपने आप को अच्छे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं जो भी सोर्स ऑफ विटामिन सी होती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टेड रहे और हमें ये वायरस जो है कॉमनली अटैक ना करे। थैंक यू।